हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन वीरवार को ज्वालामुखी विधायक रमेश ध्वाला द्वारा गैर सदस्य कार्य संकल्प के तहत खेर व चंदन के पेड़ों को काटने विक्रय करने के लिए नीति बनाने को उठाए संकल्प पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रयास किए जाएंगे कि इसको लेकर कोई नीति बने वहीं चंदन के पौधे किसानों को बांटने का कार्य भी किया जाएगा ताकि इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को रमेश ध्वाला द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प के तहत उठाए गए प्रदेश में खैर व चंदन वृक्ष काटने और विक्रय करने के लिए नीति बनाने पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में यह प्रयास किया जाएगा कि सूखे पेड़ों की मार्किंग कर उन्हें काटा जाए और वन विभाग के माध्यम से लकड़ी को डिप्पो में लाया जाए ताकि विभाग को आमदनी हो वन क्षेत्रों से विक्रय के लिए खैर वृक्षों सहित पेड़ों का कटान संबंधित वन मंडलों की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार सिल्वी कल्चर सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तावित किया जाता है राज्य सरकार की के अनुसार वन क्षेत्रों में से वृक्ष काटने व विक्रय करने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति के माध्यम से किया जाता है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी वन भूमि से हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है प्रतिबंध को खुलवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है उन्होंने कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्रों से हरे पेड़ों के कटान पर लगा प्रतिबंध हटाया जाता है तो खैर वृक्षों से प्रदेश सरकार को अतिरिक्त रॉयल्टी प्राप्त होगी वहीं निजी क्षेत्र में भी लोगों की आमदनी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस प्रतिबंध को हटवाने के लिए तर्क व आंकड़ों सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने का पूरा प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि यदि अनुमति मिल जाती है तो वन भूमि से खैर के पेड़ों के कटान से प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष छह करोड़ बाईस लाख रूपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है इसके साथ साथ इन पेड़ों की चोरी पर रोकथाम लगाने में भी मदद मिलेगी ये कटान पौधों के प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायक होगा और पौधारोपण भी किया जाएगा जो इन वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगा जहां तक चंदन के पेड़ों का प्रश्न है इस प्रजाति के पेड़, प्रदेश के प्रदेश बिलासपुर हमीरपुर और देहरा वन मंडलों के अंतर्गत वन भूमि में किसी किसी स्थान पर कम मात्रा में पाए जाते हैं उन्होंने कहा कि यदि किसान अपनी भूमि पर चंदन प्रजाति के वृक्ष लगाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से इस बारे में कोई मनाही नहीं है उन्होंने कहा कि चंदन की नर्सरी लगाकर लोगों को पौधे प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अभी तक चंदन के साठ हजार पौधे तैयार किए गए हैं भविष्य में और पौधे तैयार किए जाएंगे और किसानों को बांटे जाएंगे ताकि वो अपनी जमीन पर इन पौधों को लगाकर इससे आर्थिकी में बढ़ोतरी कर सके उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में चंदन की देखरेख करना मुश्किल है इसकी तस्करी अधिक होती है लोग छोटे छोटे पेड़ को काट कर भी ले जाते हैं उन्होंने कहा कि तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी ज्वालामुखी से विधायक रमेश ध्वाला ने गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प के तहत चर्चा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में खैर व चंदन वृक्ष काटने और विक्रय के लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा क्योंकि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खैर के पेड़ हैं यदि इसके विक्रय को लेकर सही नीति बनाई जाए तो इससे सरकार व लोगों की आमदनी बढ़ेगी इस दौरान खैर व चंदन तस्करों पर भी नकेल कसने के लिए सख्ती से कार्य करने की बात कही चर्चा के दौरान सदन में अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया और अपने अपने सुझाव दिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला